हेलो बर्सो गाइस, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर हॉरर गेम प्ले वीडियो। और ये गेम प्ले वीडियो होने वाला है इविल नन चैप्टर 2 के ऊपर। पिछली बार हमने इविल नन 1 खेला था और उसमें हमने सेवर एस्केप को किया था लास्ट में, तो अभी हम लोग इविल नन 2 खेलने जा रहे हैं। तो इविल नन 2 का मुझे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने इसको एक बार भी नहीं खेला, यही फर्स्ट टाइम मैं खेल रहा हूँ। तो ये गेम थोड़ा सा मुझे पिछली बार से ज़्यादा डरावना लग रहा है अभी, क्योंकि इसका साउंड देखो यार कितना ज़्यादा तेज़ है। अगर आप लोगों ने हेडफोन पहना है, नहीं पहना है तो पहन लो, क्योंकि हेडफोन पे बहुत तेज़ साउंड आ रहा है। तो चलो इस गेम को मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दबा देना। यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यार आप लोग लाइक ही नहीं करते, तो लाइक प्लीज़ कर देना। चलो अभी मैं गेम को स्टार्ट कर देता हूँ। चलो तो गेम तो स्टार्ट हो गया है और मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ सा म्यूजिक स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग में। ये कौन है क्या बताऊँ, मैं नहीं जानता हूँ। ओ यहाँ पर गाना भी शुरू हुआ है और ये इविल नन गा रही है खुद, क्या बात है। ओके यहाँ पर शायद से कुछ तो फोटो दिख रहा है जो कि शायद से प्रीवियस कुछ हुआ है इविल नन के साथ, तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये टहलते टहलते यहाँ पर आ गई। ये साथ से इविल नन और उसकी मॉम है, ऐसे ही लग रहा है मुझे। सिस्टर मैडलिन, ओ ये सिस्टर मैडलिन है, क्या बात है। ये सिस्टर मैडलिन साथ से रॉड की मॉम है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने आइसक्रीम चैप्टर 7 ख़त्म किया था तो उसके लास्ट में सिस्टर मैडलिन ही आई थी। यस ये उसकी मॉम ही है। यहाँ पर मुझे बच्चे के रोने का साउंड भी आ रहा है बैकग्राउंड में। ओह ये फोटो जल रहा है, ये पढ़ क्या रही है। ओके इसके साथ कुछ तो हो रहा है, ये चिढ़ रही है शायद से, कुछ इसे याद आ रहा है इसलिए ये चिढ़ रही है। चलो खत्म हो गया। ओए क्या कर रही है, ओ गेट बंद किया इसने। इधर मुझे बच्चे का रोने का साउंड आ रहा है, साथ से इसने उस रूम में एक बच्चे को बंद कर रखा है। ओ ये बच्चा मैं ही हूँ, ओके। ओ ये क्या है, चिकन्स, तीन तीन चिकन्स, लेकिन ये मामूली चिकन्स नहीं है, ये तीनों बहुत बड़े हैं और एक बीच में ये मोटा वाले, इसके पीठ में दांत है, मुंह भी है। और ये राइट वाले को देखो यार, इसका मुंह, और इसके लेफ्ट वाले को देखो कितना ज़्यादा मसल्स है इसके। यार ये तो जिम विम करा के लाइए इस चिकन्स को। यार ये गेम बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि इसमें इविल नन के साथ साथ तीन और भी मॉन्स्टर्स हैं। मॉन्स्टर्स ही बोलना सही रहेगा, क्योंकि ये लोग मामूली चिकन तो है नहीं। चलो गेम स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर क्या हुआ, मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ यार, उसने मुझे लॉक कर दिया है क्या। ओ नहीं वो गेम मुझे ट्यूटोरियल सिखा रहा है। चलो ये रहा वो मसल्स वाला चिकन। हेलो तुम्हारा नाम क्या है, मिस्टर सी, इसका नाम है रूस्टल और इसका नाम है गमी। चलो गमी जो अभी गया उसका नाम था गमी। और यहाँ पर ये कुछ तो था, यहाँ पर क्या रहा, वेपन पीस। ओ स्टार्टिंग में ही मुझे एक वेपन का पीस मिल गया, नाइस। चलो अभी मैं बाहर चलता हूँ। फर्स्ट फाइंड द सीक्रेट पैसेज टू कंप्लीट द ट्यूटोरियल। कौन सा पैसेज ढूंढना है मुझे यहाँ पर, यहाँ पर तो नहीं है कोई सा पैसेज। जी रहा यहाँ पर कुछ तो दिखा रहा है, मूव क्लोजर टू इंट्रैक्ट। ओके भीतर मुझे जाना है, यूनिट टू स्किप दिस स्कूल। ये कोई सा मतलब सीक्रेट सा रास्ता है जहाँ पर मैं सिर्फ शायद से जा सकता हूँ, गो डाउन। ओके गमी के पीछे ही एक सीक्रेट रास्ता है, क्या बात है। गमी के रूम के पीछे, केज के पीछे। ये मैं कहाँ आ गया, क्राफ्ट वेपन। ओह मुझे गेम की स्टार्टिंग में एक वेपन बनाने के लिए एक वर्क बेंच मिल गया। और यहाँ पर बहुत सारी गेट्स भी है, ये क्या है, चर्च, और ये एटिक, और ये गार्डन है, और ये क्या है, ये है क्लासरूम्स। ओके तो मैं इसे खोल सकता हूँ क्या, लीवर को, हाँ खोल सकता हूँ, चाबी वाबी नहीं लगेगा मुझे। और ये क्लासरूम खुल गया, चलो इस साउंड आ रहा है मुझे, हो क्या रहा है ऊपर, बहुत तेज़ सा साउंड आ रहा है यार। ये लोग नीचे तो नहीं आ रहे ना,
मैं बहुत बुरा फंसूंगा अगर ये लोग नीचे आ गए, क्योंकि जाने का एक ही रास्ता है। नहीं, मैं इधर से दूसरी जगह पर जा सकता हूँ क्योंकि ये लोग ये सब खुल गए। एंटर दिस, क्या लिखा आ रहा था? चलो इसे खोल सकता हूँ क्या? यहाँ क्या था? स्लॉट, यू कांट यूज़ योर हैंड्स। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ तो लाकर लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसे लीवर की तरह इस्तेमाल कर पाऊँ। चलो ये क्या है? चर्च खुल गया, गार्डन खुल गया और क्लासरूम खुल गया। बस मुझे ये एटिक खोलना है। और यहाँ पर ये कौन सा पीस है? वेपन पीस। और सेकंड पीस भी मुझे मिल गया और ये मेरा वेपन भी रेडी हो गया। क्या बात है, मुझे गेम के मैंने जितने भी गेम खेले हॉरर्स में उसमें स्टार्टिंग में वेपन नहीं मिलता है, लेकिन सिविल नन 2 में वेपन मिल रहा है। फिर से ऊपर एक काम करता हूँ, ऊपर चलता हूँ, ऊपर में शायद से जो एग्स थी, जो मैंने एक देखा था उसमें, उसको शायद इसमें ही फिल करना है। और उन एग्स से मैं शायद इनको मार भी सकता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है देखो। ओए, ये दोनों भी गायब है यहाँ से, इसलिए साउंड हुआ था, वो खोल कर ले गई। चलो मैं एग्स को फिल कर सकता हूँ। नाइस, स्टार्टिंग में मुझे एक वेपन मिल गया। अब तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। नन इधर ही ना गई थी? ओह वो रही नन। ए ये नन है? ये किस साइड से नन लग रही है यार? मतलब कि नन लग रही है, इविल नन नहीं लग रही है। इसके पहले कितना ज़्यादा, मतलब कि मुंह जला हुआ था, तंबाकू चबाती थी इसके पहले, और इस समय देखो ये मतलब पूरा टीचर की भांति दिख रही है, मतलब एकदम मामूली सी नन। आई डोंट नो, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये गन मैं देख रहा हूँ कि मार रहा हूँ तो सिर्फ एक ही बार उसे चक्कर आ रहा है, जैसे रॉड को चक्कर आता था। यानी कि मैं उसे सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए चक्कर दिला सकता हूँ, मार नहीं सकता। चलो अभी मैं क्लासरूम में चलता हूँ। दिस इज़ वॉर, आई हैव नो अदर चॉइस, आई नीड टू गेट राइड ऑफ दिस ऑफ दोज माउंटेन चिकेंस। क्या इधर में चिकेंस है क्या? वो दोनों साइड से लग तो ऐसे ही रहा है, मुझे देख कर खेलना पड़ेगा यार। ये लोग चार चार मॉन्स्टर्स हैं, मतलब तीन मॉन्स्टर्स हैं, तो पूरा अच्छे से मुझे देख देख कर खेलना है। यहाँ पर भी एक ट्रैप डोर है, ये क्या है? ओ यार ये मुझे नहीं पढ़ना है यार, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, हटाओ इसे। और ये इवेंट के सहारे मैं किधर जा रहा हूँ? चलो यार, इतने पतले पतले गली जैसे यहाँ पर रास्ते हैं ना, क्या बताऊँ। इसके पहले जो स्कूल था इविल नन चैप्टर 1 में, वो ऐसा नहीं था। ये वाला देखो कितना छोटा है, लेकिन बड़ा बहुत ज़्यादा है। ये स्कूल गली की तरह रास्ते हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्कूल है। और यहाँ पर देखो वो बास्केटबॉल का एक जगह था जहाँ पर, यहाँ पर खेल सकते थे बास्केटबॉल, लेकिन इस बार यहाँ से हटा दिया गया है। ओए मैं फंस गया, ओ नहीं दूसरी साइड निकल गया ग्लिच से, क्या बात है। अभी ये इविल नन किधर है? मुझे साउंड थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है इनका, सात से ऊपर हो सकते हैं। मुझे धीरे धीरे इनको देखना पड़ेगा। नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ है, ब्रोकन रूलर। ओके ये ब्रोकन रूलर, ये पतला सा एक छड़ी का जैसा है, तो शायद से मैं इसे लीवर की तरह यूज़ कर पाऊँगा वो एटिक में जाने के लिए जो लग रहा था ना वहाँ पर, उस जगह पे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसे खोल सकता हूँ? नहीं, इसे नहीं खोल सकता हूँ। चलो एक क्लासरूम में आ गया मैं, यहाँ पर डेस्क में खोल सकता हूँ, इसके भीतर कुछ हो सकता है क्या? इसके भीतर ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। यार इतने सारे डेस्क, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। इसमें, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें क्या है? ओ इसमें तो कुछ निकला, ड्राइंग बाय रॉबर्ट वोल्डर। ओके रॉबर्ट वोल्डर ने इसे बनाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये है क्या। ओ इसमें कुछ है, ग्लासेस, इसमें एक चश्मा है, कहीं पर तो इसका यूज़ होगा, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि ये चश्मा यहाँ पर है। और तो मैं इधर कहीं जा नहीं सकता। ओए नन, ये देखो नन, चलो वो उधर गई तो मैं इधर आता हूँ। ओह नहीं, उसने वो साउंड सुन लिया, भागो जल्दी। शायद से वो उसने कहा कि गमी है क्या? नहीं मैं गमी नहीं हूँ। शायद से वो चेक करने आ रही है यार, ये लेफ्ट से गमी आ गया यार। ओए नहीं नहीं, तू 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 प्लीज़ यार, इसके इतने बड़े बड़े दांत का। ओ चलो मैं बच सकता हूँ, ओ बच सकता हूँ, क्या बात है। मुझे लगा ये मुझे मार देगा अभी। चलो इसको मैंने सुला दिया है। और ये इविल नन किधर है? इविल नन इधर ही तो आ रही थी, ये भी चली गई है इविल नन। ओ ये फिर से उठ गया, फिर से साउंड आ रहा है। नहीं यार, फिर से पकड़ लिया इसने,
ओके, तो मैं जितना बार चाहूँ इसे मैं मार सकता हूँ, मतलब अनलिमिटेड टाइम मैं इसे मार सकता हूँ, छुड़ा सकता हूँ। ये सिर्फ पकड़ने के लिए काम करता है ये गमी। और उन दोनों चिकन्स का पता नहीं वो लोग क्या काम करते, वो लोग भी शायद ऐसे ही काम करते होंगे। ये इविल ना दूसरे साइड गई है, तो मैं जल्दी से भागता हूँ। देखो वो फिर से उड़ गया, मुझे साउंड आ रहा है गमी, क्योंकि उसके पैरों का साउंड बहुत तेज आता है। हाँ आ रहा है, मुझे साउंड आ रहा है, बहुत तेज़ से आ रहा है। और यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, यानी कि मुझे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। चार मॉन्स्टर्स है तो क्या हुआ, यहाँ से निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लेफ्ट से राइट से मैं कहीं से भी निकल सकता हूँ, बस मुझे इविल नन को देख कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वेंट में भी आ सकती है बार बार, तो मुझे उसी से डरने का है। क्योंकि ये लोग मॉन्स्टर्स नीचे झुक नहीं सकते हैं, ये खासकर ये मोटू। यार साउंड आ रहा है, देखो ये भगा भगा आ रहा है। चलो मैं वापस से चलता हूँ, ये एटिक में जाकर पहले लगाता हूँ। एटिक में अभी जा सकूँगा तो एटिक में जल्दी से लगा लेता हूँ इसे। ओके किधर गया, ये रहा यहाँ पर, शायद लग जाना चाहिए, लग गया, मेरा अंदाज़ा सही था, फिर से मैंने उठा भी दिया। ओके तो मैंने अभी चारों के चारों गेट खोल दिया है, और क्लासरूम में मैंने छान लिया, वहाँ पर एक ग्लास था और ये ब्रोकन रूलर लेकर आया। तो मैं अभी एटिक में चलूँ कि या फिर चर्च में, गार्डन में ही चलता हूँ। चलो गार्डन देखना पड़ेगा कैसा है गार्डन। ओह ये ग्लास रूम गार्डन है जहाँ पर फर्स्ट में इस विलन को दिखाया था। और जाने का रास्ता है कि इधर से ब्रांचेस, और इधर से मैं जा सकता हूँ, क्या बात है, इतना छोटा जगह से। यहाँ से शायद से इविल नन नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसको खोलना पड़ता है, आ भी सकती है, कोई ठीक नहीं है। चलो इसे बंद करो। इन सब ग्लास हाउस में मैं घुस नहीं सकता हूँ क्या, यहाँ पर एक सॉबल है, इसे उठाओ, जल्दी उठ जा। तो मुझे अभी यहाँ पर मिट्टी खोदनी है, किधर खोदना है, इसे खोल सकता हूँ शायद, हाँ खुल गया। तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक बैटरी है जो कि अटैच्ड है केबल्स के साथ, और इस केबल्स को शायद से मुझे कट करना है, तो सॉवल से मैं कट नहीं कर सकता, मुझे प्लायर्स चाहिए होगा, कटिंग प्लायर्स, जिससे मैं इस केबल को काट पाऊँ। ये गेट खोल पाऊँगा कि नहीं, ये लॉक्ड है। और इस सॉवल का यूज़ कहाँ पर है, इसे बंद करो पहले, वो ना आ जाए। ओ यहाँ पर है इस सॉवल्स का यूज़, ये रहा। चलो देखो इस सॉवल से मुझे मिलता क्या है, कोई सा चाबी वाबी मिलेगा, छोटा सा चीज़ मिलेगा, बड़ा चीज़ है नहीं। ये क्या, ये रहा कटिंग वायर, मतलब वायर कटर। चलो जल्दी जल्दी मैं पहले यहाँ पर खोद लेता हूँ सारी जगह पर, देखता हूँ क्या मिलता है। ये भी खाली निकला यार, सब के सब खाली है क्या, मुझे बहुत फास्ट खोद कर देखना पड़ेगा, कुछ तो मिलेगा यार, जल्दी हो जाए यार, टाइम भी इतना लग रहा है ना, क्या बताऊँ। यहाँ भी खाली है, देखो यहाँ भी कुछ नहीं है। ओह यहाँ पर कुछ तो था शायद से, ये डोर है, नहीं ये डोर नहीं है, ये डोर नहीं, इसे खोलूँ कैसे, ओ कैसे खोलूँ यार। ओ ये हाइडिंग प्लेस है एक, हाँ मैं यहाँ पर छुप सकता हूँ शायद से, हाँ मैं यहाँ पर छुप सकता हूँ। चलो यहाँ पर एक छुपने का तो जगह मिल गया, अगर ये इविल नन चाहे से चाहे फिर उसका वो गमी या फिर मिस्टर सी या फिर रूस्टर आता है तो मैं यहाँ पर छुप सकूँगा आराम से। ये भी खाली यार, अब है नहीं क्या, नहीं यहाँ पर और भी है यार, इतना ज़्यादा मिट्टी खोदना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर और दो बचे हैं बस, इसमें मिल जाना चाहिए यार, क्या है प्लीज़ आ जा। ओके तो चलो येलो पैडलॉक की मुझे मिल चुका है, बहुत ज़्यादा डिग करने के बाद यार मुझे अभी एक आइटम मिल रहा है, बताओ यार। इसमें कुछ है नहीं, मुझे पता था कि इतना सारा डिग करने का ऑप्शन है सब जगह खोदने का, लेकिन मुझे मिलेगा एक ही सामान। चलो अभी मैं जल्दी से इसको लेकर चलता हूँ, और शायद से मुझे लग रहा है ये यहाँ पर यूज़ करने वाला है, किधर गया, हाँ ये गेट नहीं मैं गलत हूँ, ये गेट यहाँ पर यूज़ नहीं, मतलब ये की यहाँ पर गेट पर यूज़ नहीं होगा। और मुझे अभी किसी का तो साउंड आ रहा है, हाँ थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है। एक काम करता हूँ मैं ये प्लायर कटिंग प्लायर को लेकर यहाँ पर छुप जाता हूँ। चलो यार छुपने के बाद थोड़ा सा भी साउंड नहीं आ रहा है, अगर गमी या फिर विविल नन मेरे पास भी होंगे तो मुझे साउंड नहीं आएगा। छोड़ो रहने दो यार, बहुत साउंड नहीं आ रहा, अभी लग तो नहीं रहा आसपास होंगे, एकदम साउंड नहीं आ रहा मुझे, हवा या फिर जो ग्रेवयार्ड का साउंड है यहाँ का। ओके सॉरी मेरा मिस्टेक ही, ग्रेवयार्ड नहीं है,
ये फार्मिंग प्लेस है, छोटा सा एकदम। ओके, शायद से नहीं है, कोई नहीं रहा है, नहीं कोई दिख तो नहीं रहा। चलो तो मुझे इसे काटना है, तो इसे काट लेता हूँ। चलो व्हाट भी यार, ये क्या हुआ, प्लास्ट से ही तो वार काटते हैं, मैंने क्या गलती किया। अबे यार सेट, मेरा 2 डेज हो गया यार। नहीं नहीं, ये तो फर्स्ट डे है, अभी तो 2 दिन मतलब 2 रात अभी बाकी है, फर्स्ट नाइट गया मेरा। फिर से इसी जगह पे स्पॉन हुआ मैं, और इस डॉल को इस बार पानी भी दे रखा है किसी ने। चलो छोड़ो इसे, अभी मैं चलता हूँ वापस से उस गार्डन में। अबे यार चलो, तो मैं गार्डन में आ चुका हूँ। ओए ये क्या हुआ यहाँ पर, सारे जितने भी ग्लास हाउस थे ये सारे रेड रेड क्यों हो रखे हैं यहाँ पर, तो लाल लाल की हुआ यार। इविल नन आ गई क्या यहाँ पर, क्या लिखा है, मदर पी ए ऐसा कुछ लिखा है। यहाँ पर भी एक की लगेगा शायद से, मैंने ये जो मिनी ट्रांसफार्मर को उड़ाया था ना, आई मीन जो कटर से काटा था, तो इसीलिए यहाँ के लाइट्स चले गए, तो लाइट जाने से ब्लैक होना चाहिए, रेड क्यों है। कोई नहीं यार, कितना धुआं निकल रहा है देखो यहाँ पर। मैं अभी फिर से वायर कटर से काट लेता हूँ, इस बार तो शायद से मुझे करंट नहीं लगेगा। ओए किधर है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इधर है। ओह बैटरी उड़ गया। ओके तो जब मैंने काटा तो मुझे करंट तो लगा लेकिन वायर भी कट गया साथ में। चलो नाइस। ओह एक काम करता हूँ, इसको फेंको यार, पहले मैं पहले इस की को लेकर चलता हूँ, और वो जो मदर पा पी ए करके नाम है वो वाले रूम को खोलता हूँ, देखता हूँ ग्लास हाउस को खुलेगा क्या। नहीं इससे भी नहीं खुल रहा यार। यहाँ पर एक गेट था ना, ओके लॉक्ड है इस साइड से। चलो रैन दो, और ये बैटरी बैटरी इसे प्लास को छोड़ो, मैं पहले बैटरी को लेकर चलता हूँ क्योंकि बैटरी मेन लग रहा है मुझे, कहीं पर ज़रूर काम आने वाला है। और ये येलो की यहाँ पर है, और ये प्लायर्स भी यहाँ पर है, मतलब प्लायर यहाँ पर है, तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मेरे 2 आइटम अभी गार्डन में है। चलो जल्दी से नीचे चलता हो। चलो तो मैं आ गया हूँ, और गार्डन मैंने अच्छे से छान लिया है, तो गार्डन में मुझे बस 2 आइटम मिले, 3 आइटम मिले, ये बैटरी भी मिला। तो अभी मैं इसे यहाँ पर धीरे से फेंक देता हूँ, और मैं अभी चलता हूँ एटिक में। चलो चलो तो मैं एटिक में आ चुका हूँ, देखो जरा ये एटिक है कैसा। ओके ये भी एक बड़ा सा रूम जैसा ही है, और ये एक डोर है, ये शायद से हाइडिंग प्लेस है। हाँ यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ, क्या बात है। चलो अभी निकलता हूँ। ओह नहीं, ये शायद से गमी आ गया है बाहर। हाँ इसके पैरों का साउंड आ रहा है मुझे राइट से, और ये इविल नन भी इसके साथ ही होगी मुझे पता है, और अगर अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं पक्का पकड़ा जाऊँगा यार। ओ यार देखो पूरा जोर से साउंड आ रहा है, ये गमी का ही पैर का साउंड है, मैं इसके पैर को साउंड को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। यार गलत जगह आके फंस गया, मुझे यहाँ पर छिपना ही नहीं चाहिए था, मुझे बहुत देर अभी वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। यार बहुत देर वेट करने के बाद भी ये लोग नहीं जा रहे हैं, शायद से मैं यहाँ पर फंसने वाला हूँ, बहुत बुरी तरह फंसा हूँ, शायद से मैं निकल पाऊँगा क्या। ओह नहीं देख लिया इसने, भागो बंद करो इसे। चलो मैं सेफ हूँ। ये क्या लिखा, यू कांट इट, नहीं अभी मैं पकड़ा जाऊँगा अगर मैं नहीं जा पाया। ओ यार ये क्या हो रहा है, ये आ गया प्लीज़ जाने दो यार। ओ यार ये मेरा सीक्रेट, जहाँ पर मेरा पैसेजेस है वहाँ पर जाने का रास्ते ये लोग डिस्कवर कर लेंगे, इसलिए ये नहीं खुल रहा है। भर दिया यार मेरा, बेकार का बेफालतू का मैं यहाँ पर फंसा यार। तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ बताओ यार, एक ही जगह है, मैं यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जा सकता था, नहीं तो वहाँ से मैं यहीं पर ना आऊँगा, और मैं वहाँ से यहाँ पर आया तो फिर मैं नीचे नहीं जा पाया यार, क्या बताऊँ। तो हमारा फर्स्ट नाइट जा चुका है अभी, फर्स्ट नाइट कहाँ, ये सेकेंड नाइट है। एक बार मैं ऐसे ही करंट का झटका खा के मर चुका हूँ बेफालतू का, ये दूसरा नाइट भी चला गया, अब मेरे पास लास्ट नाइट बचा हुआ है। ओके
अब मेरे पास कुछ करने का भी नहीं। मेरा गन भी जो था वो मैंने साथ से क्लासरूम में छोड़ा है, तो चलो मैं अभी चर्च में चलता हूँ, क्योंकि ये लोग अभी एटिक में है, तो चर्च को मैंने देखा नहीं है कैसा है। चलो अभी चर्च को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये गेट खुल रहा है क्या? नहीं, ये भी लॉक्ड है। पता था मुझे ये लॉक्ड होगा। चलो विंड के सहारे ही चलते। ये खुलेगा क्या? देखो अब ये नहीं खुलेगा तो मैं भागूंगा किधर? इधर से डायरेक्ट मेरे सीक्रेट प्लेस पे ही मुझे जाना पड़ेगा भागने के लिए। और ये चर्च कितना बड़ा है देखो। ओ यहाँ पर एक घंटी है, बेल है, बजाओ क्या इसे? नहीं यार, मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है, तो अगर मैं इसे बजाऊँ तो कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। रहन दो, अभी मैं नहीं बजाऊँगा इसे। ओके, यहाँ भीतर बहुत सारे रूम्स हैं। ये खुलेगा क्या? नहीं, ये भी लॉक्ड है। इसमें तो आइकन ही नहीं मिल रहा है खुलने का। और ये खुल जा, ओके खुल गया। चलो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक फ़ोटो है जो मुझे स्टार्टिंग में देखने को मिला था, और यहाँ पर एक ट्रैप डोर भी है जिसे खोलने के लिए रेड पैडलॉक, ब्लू पैडलॉक और येलो पैडलॉक। ओके, मेरे पास जो येलो वाला पैडलॉक था, मतलब पैडलॉक की था, वो गार्डन में जो मैंने फेंका है वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। और उसके बाद मुझे दो और पैडलॉक चाहिए होगा, रेड और ब्लू, जो कि यहाँ दोनों यूज़ होगा। चलो तो चर्च में मुझे एक जगह तो मिल गया जहाँ से कुछ तो अच्छा निकलेगा। यहाँ पर एक चेस्ट भी है, आई वॉन्ट ओपन। ओके, तो यहाँ पर पैडलॉक का कौन सा की? नहीं, कोड लगेगा यहाँ पर। ओके चलो, ये कौन सा रास्ता है, किधर जा रहा हो ये? ओ यहाँ से भागने का रास्ता सही है। नहीं नहीं, मैं वापस इसी जगह आ गया। ओके, तो ये इविल नन को चकमा देने के लिए है। अगर इविल नन ऊपर से या फिर नीचे से कहीं से भी आती है तो मैं यहाँ घूम सकता हूँ। चलो इस जगह पे तो मैंने देख लिया, यहाँ पर मैं शायद ऊपर जा सकता हूँ। ओ ये क्या है, कटघरा छोटा सा। यहाँ पर ऊपर जा पाऊँगा क्या मैं? हाँ जा पाऊँगा। चलो देखो अभी ऊपर में क्या है। और यहाँ पर ये क्या है? स्क्रू। ओके, ये चार स्क्रू है जिसे मुझे स्क्रू ड्राइवर से खोलना है, और मेरे पास अभी स्क्रू ड्राइवर है नहीं, तो स्क्रू ड्राइवर मुझे ढूंढना पड़ेगा। और ये वैसे जगह बहुत, ओए कौन चीखा, किसने चीखा यहाँ पर? ओ ये कौन है? ये इविल नन है क्या? क्या खा रही है ये? नहीं, ये इविल नन नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा ये इविल नन है। शायद से इविल नन का कोई कज़न है ये। ये आइसक्रीम खा रही है। ओके, ये आइसक्रीम खा रही है। शायद से रॉड ने इनको आइसक्रीम देकर गया हुआ है, रॉड ने। ओके, तो मैं इसे अभी खोल भी नहीं सकता। ओके वेट, नीचे जो बेल था उसे अगर मैं दबाता हूँ तो ये नीचे आएगी भगी भगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और मुझे यहाँ पर कुछ तो करना है। और यहाँ पर साउंड आया, ये भी गमी का साउंड है, और इसने मुझे देख भी लिया। चल कोई नहीं, आजा आजा, तू भिड़ ले मुझसे, तुझे दे चमाट, मैं तेरा सिर घुमा दूंगा। ये ले, वैसे इसका दांत बहुत बड़ा है, अगर ये चाहे तो मेरे हाथों को काट सकता है, लेकिन काटता नहीं है। ये प्यारा सा गमी है, और इविल नन ने मुझे अभी नहीं देखा है, तो मुझे जल्दी से यहाँ से निकलने दो, क्योंकि मैं यहाँ पर सीक्रेट पैसेज पे वापस जा नहीं पाऊँगा अगर ये लोगों ने फिर से देख लिया। ओह गमी आ रहा है, गमी झुक नहीं सकता, तो मैं अभी जा सकता हूँ। बस तो मुझे इविल नन से देख के रखना पड़ेगा, इविल नन अगर मुझे नहीं देखेगी तो मैं आराम से जा पाऊँगा। ओके चलो अभी मैं एटिक में चलता हूँ, क्योंकि ये लोग चर्च में आ चुके हैं, तो मैं अभी एटिक में जा सकता हूँ। बस ये एटिक में जल्दी ना आ जाए, पिछली बार मैंने पूरी तरह एक्सप्लोर किया, मैं भीतर भी नहीं जा पाया था। और यही वो रास्ता था जहाँ से आया था ये लोग दोनों के दोनों। ओह ये कौन सा डोर है? ओह यहाँ पर भागने का रास्ता है, लेकिन उससे पहले मुझे पूरी तरह बाहर निकलना पड़ेगा। ओह भाई क्या बात है, ये एटिक तो बहुत बड़ा है, और मुझे एक क्रोबार भी मिल गया। चलो नाइस, स्क्रूबर से उस स्क्रू को मैं निकाल सकता हूँ क्या? शायद से नहीं, क्रोबर से ओनली नेल्स को निकाल सकते हैं, कील को। ये कौन सा रूम है? ये शायद किचन है। इसमें क्या है? कुछ नहीं है इसमें, इसमें भी कुछ नहीं है। ये खुलेगा कि नहीं? नहीं, यहाँ पर एक ट्रैप डोर है। ओके क्या बात है, यहाँ पर भागने का रास्ता है। चलो तो मैं अभी समझ रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, अभी यहाँ से भी मैं भाग पाऊँगा, और यहाँ पर भी एक ट्रैप डोर, यहाँ से भी मैं भाग पाऊँगा। देखो इस डोर में क्या है, कुछ नहीं है। तो भी मुझे भागने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल गए, अगर ये विल नन आती है तो मैं भाग पाऊँगा आराम से। इस अलमीरा में क्या है? ओके ये हाइडिंग प्लेस है, कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉर्स दिख रहे हैं, क्या हो सकता है इसमें? कोई तो काम का सामान होगा, बहुत सारे ड्रॉर्स हैं। खुल जा यार, बैठने पर दिख भी नहीं रहा है। चलो इसमें भी कुछ नहीं है। ओ टेलीस्कोप,
क्या बात है भाई, यहाँ से चांद को देखने वाला हूँ क्या? आई कांट फिक्स द टेलीस्कोप विद दिस आइटम, ओके? तो मुझे टेलीस्कोप को ठीक करने के लिए दूसरा कोई आइटम चाहिए। लीवर, यू वेर नॉट एबल टू एक्टिव द लीवर। तो मुझे लीवर को भी एक्टिव करने के लिए कोई सा यहाँ पर आइटम चाहिए। शायद से वो बैटरी तो नहीं होने वाला है, वो जो बैटरी था। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है वो बैटरी यहाँ पर लगा, क्योंकि वो भी एक इलेक्ट्रिक सामान है। और यहाँ पर हाँ हाँ बैटरी लगेगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और ये मुझे साउंड आया अभी गमी का। यस, ये रही इविल नन और गमी, दोनों के दोनों आ चुके, दोनों दो रास्ते से। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। इविल नन, तू पूरा ऊपर आ धीरे से, उसके बाद मैं गमी के पास जाऊँगा, उससे भिड़कर उसको मैं मार कर भागूंगा नीचे। ओए देख लिया इसने मुझे, ओए आ जा गमी, ले पकड़ मेरा हाथ, चल भाग यहाँ से, लाओ मेरा क्रोबर। और मुझे, मैं अभी इधर नहीं जाने वाला हूँ, मैं अभी इधर वेंट के सहारे इनको मैं घुमाऊँगा खूब, जब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ देते, क्योंकि मैं अभी अपने सीक्रेट पैसेज में वापस नहीं जा पाऊँगा। अगर ओए आ रही, आ गई, अरे कितनी डरावने लग रही है नीचे से जब वो लेट कर आ रही है। और ये गमी तो अभी यहीं पर होगा। चलो अभी शायद से मैं जा पाऊँगा, इधर ही है ना वो मेरा ट्रैप डोर। ओ इधर नहीं है वो ट्रैप डोर, किधर गया? पहले इसे बंद करो। वो ट्रैप डोर तो यहीं पर था ना जहाँ पर से मैं आया था। नहीं यहाँ पर नहीं है। ओके वेट, यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है, ये रहा। ये भी यार इतना बड़ा भूल भुलैया है कि मैं खुद भूल जा रहा हूँ। चलो तो मुझे पता चल गया, ये चर्च में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस एक वो टेलीस्कोप था जिसको फिक्स करने के लिए बैटरी लगेगा मेरे ख्याल से। चलो बैटरी को मैं उठा लेता हूँ और इस क्रोबार को यहीं रहने देता हूँ। लेकिन मुझे एक काम करना पड़ेगा, ये चर्च में ये लोग, ओ सॉरी मैं चर्च क्यों बोल रहा हूँ, ये लोग एटिक में गए हैं, तो मैं चर्च में साउंड करता हूँ ताकि ये लोग वापस से चर्च में आ जाए। और वापस से मैं एटिक में जाकर इस बैटरी को वहाँ पर लगाने का ट्राई करूँगा एक बार। चलो बीच में चलता हूँ पूरा। चलो इसे फेंको यहाँ पर, दो तीन बार फेंक देता हूँ, बहुत तेज़ साउंड हो गया, रहने तो दो ही बार काफ़ी है, बहुत तेज़ साउंड हो गया। अब लोग तो, उन लोगों ने तो सुन लिया होगा शायद से। और यहाँ पर तो पैडलॉक का वो कोड लगेगा एक, जो कि मुझे अभी तक मिला नहीं है। और ये वही वाला रास्ता है, कुछ नया है नहीं। और इस कटघरे पर शायद से सभी खड़े रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, ओह यहाँ पर कुछ है, ब्लू पैडलॉक की, क्या बात है। तो इसमें कुछ होगा क्या? नहीं इसमें कुछ नहीं है। ओ ये ब्लू पैडलॉक की उस ट्रैप डोर का है, क्योंकि येलो पैडलॉक की मुझे मिल चुका है, ब्लू पैडलॉक की ये है, और मुझे एक और रेड पैडलॉक की चाहिए। चलो एक बार यूज़ करके देखता हूँ, मैं तो कंफर्म हूँ कि ये इसमें का ही होने वाला है। तो खुल जा, ओके मैं सही था। अभी मुझे रेड पैडलॉक की चाहिए एक, और येलो तो मेरे पास है ही, ये अभी भी लॉक्ड है। चलो इसी आसपास में कहीं तो मिलेगा मुझे रेड पैडलॉक की, और कहीं तो होगा नहीं, ऊपर मैंने देख लिया है, यहीं पर आसपास देखता हूँ। और ये रहा रेड पैडलॉक की, क्या बात है, क्या लक है मेरा, सारा सामान मुझे बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी स्केप करने वाला हूँ यहाँ से। चलो ये रेड ही है ना, हाँ रेड है, थोड़ा सा रेड है यहाँ पर बीच में, खुल जाएगा, ओके नाइस। चलो रेड भी मैंने यूज़ कर दिया है, और अभी जल्दी से चलता हूँ मैं वो येलो वाला पैडलॉक की लेकर आता हूँ। यार ये इतना बड़ा कटघरा है ना, क्या बताओ। चलो जल्दी से चलता हूँ। चलो तो मैंने येलो पैडलॉक की ले लिया है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके भीतर होने क्या वाला, क्योंकि ये मेटल का है ट्रैप डोर। ओह ये क्या है, डायनामाइट, क्या बात है, मुझे एक और वेपन मिल गया। और इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे इविल नन और उसके जितने भी गमी और मिस्टर सी रूस्टल जो भी है, इनको मैं परमानेंट मार सकता हूँ, और मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि डायनामाइट यार बॉम है, कोई खेल नहीं है। लेकिन इसे भी प्लेस करने के लिए कोई सा तरीका मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फेंक कर तो नहीं मार सकता हूँ मैं, और इसको जलाना भी पड़ेगा। तो मुझे मैक्स बॉक्स भी चाहिए, आई मीन माचिस। और इसे अगर मैं अभी हाथ से छोड़ता हूँ तो ये फटेगा तो नहीं? नहीं यार इतना इजी तो नहीं है, नहीं तो मैं खुद मर जाऊँगा, ये मेरा लास्ट नाइट है। फटेगा नहीं ना, काम करता हूँ पहले मैं इसके ये को उठाओ, कोरबार को उठाओ। फटा नहीं, नहीं फटा। चलो चलो तो मैं अगर इसे हाथ से छोड़ता हूँ तो ये नहीं फटेगा, इतना तो मुझे मालूम चल गया। मुझे इसे जलाना पड़ेगा, और वो जलाने के लिए मुझे अभी थोड़ा सा भी आइडिया है नहीं कि जलाओ कैसे। और मैंने अभी बहुत ज़्यादा साउंड कर दिया, फिर भी ये लोग चर्च में आए नहीं हैं। करूँ क्या मैं अभी, एटिक में मैं कैसे जाऊँ,
क्योंकि ये लोग अभी भी एटिक में ही है। इसको ले चलो क्या डायनामाइट को? हम क्रोबार का भी यूज़ नहीं है यहाँ पर। चलो एटिक में जाओ क्या? चलो चलो चलता हूँ, चलो देख ही लेता हूँ आखिर। ये बहुत देर मैंने इधर उधर घूम लिया है, अब शायद से ये लोग जा चुके होंगे। नहीं शायद से ये लोग नहीं गए हैं। नहीं 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 ये लोग नहीं गए हैं शायद से। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग यहाँ पर ही हैं। ये देखो, और मैं फिर से बुरा तरह फंसा यार, मैं फिर नहीं भाग पाऊँगा। यहाँ पर छुपने का जगह है क्या? नहीं गया, गेम पूरा गया, पूरा गेम गया। ये विलन नहीं आ रही है। और ये मिस्टर क्या नाम है इसका यार, गमी, ये फिर से उठ जाएगा। अब बार बार पकड़ेगा ये मुझे। यार जाने दो यार प्लीज़, एक बार जाने दो। फिर पकड़ा इसने, भाग गया यार तू। मेरे पास गन नहीं थी तो मैं तुझे बताता अभी। ये विलन तो नहीं आ रही है ना? ओके मैं इधर से भाग सकता हूँ। ओके चलो, ये विलन अच्छा हुआ, ये विलन नहीं आई। और ये गमी फिर से उठ चुका है, मुझे साउंड आ रहा है। ओके विलन यहाँ पर है ही नहीं मुझे लग रहा है। नहीं है क्या? नहीं है, पूरा खाली लग रहा है शायद। ओ नहीं, इसने अभी दरवाज़ा, ये रही इविल नन। चलो ये यहाँ पर नहीं थी, नहीं तो मेरा ये लास्ट नाइट भी जाने वाला था। ओए किधर गायब हो गई इविल नन? यहीं पर है। ओ यहीं पर है, यहीं पर है। चलो बहुत बहुत बड़ा प्लेस है, मैं यहाँ से आराम से भाग जाऊँगा। A few moments later. चलो तो बहुत देर वेट करने के बाद शायद से इविल नन अभी जा चुकी है। ओए यार ये गमी फिर से, तू आ जा, तू राइट से आ, मैं लेफ्ट से भागूंगा ऊपर आराम से। चल आ जा तू, आ जा। ओ नहीं नहीं, ये मैंने क्या किया यार? मैं नीचे सिर गाड़ कर क्यों चलता हूँ यार? गया पूरा गेम गया हाथ से मेरा, मुझे ऊपर देखना चाहिए। तो और ये गा क्या रही है? इसके तीनों के तीनों मॉन्स्टर्स चिकन्स नाच रहे हैं और ये भी नाच रही है। अरे मत गाओ, इसके गाने से मुझे तकलीफ हो रही है। इन तीनों को कुछ नहीं हो रहा है शायद से, कोई तो ये जादू टोना कर रही है यहाँ पर मेरे ऊपर। तो ये क्या कर रही है यार? एक लास्ट चांस दे दो, वीडियो वाला भी ऑप्शन नहीं है इसमें। प्लीज डन, कितनी ब्यूटीफुल हो तुम, प्लीज मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, प्लीज एक लास्ट चांस दे दो। नहीं मानेगी, ये कर क्या रही है? ये तो सच में इविल नन है यार। उसका चेहरा इतना, मतलब कि चेहरा पे दिख नहीं रहा है कि ये इविल है, लेकिन ये बहुत इविल नन है। इसने मुझे जला कर मार दिया। तो गाइज हमारा इविल नन चैप्टर 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके बाद कंप्लीट करने का मैं ट्राई करूँगा। और उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना, इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। और फर्स्ट टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा भी आया खेलने में। तीनों के तीनों मॉन्स्टर्स इतने डेंजरस थे, लेकिन मुझे से हर जगह सिर्फ गमी दिखे थे। ये लोग दोनों जो मॉन्स्टर है, मिस्टर सी और रूस्टर, ये दोनों मुझे नहीं दिखे। चलो कोई नहीं, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसे दोबारा खेलता हूँ तो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।